प्रयागराज में बसपा के विधायक राजू पाल हत्याकांड में फरार चल रहे अब्दुल कवि को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अतीक अहमद के गुर्गे अब्दुल कवि ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है अब्दुल कवि के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 1,00,000 का इनाम रखा था। अब तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक अब्दुल कवि ने लखनऊ की CBI कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें अब्दुल कवि बीते 18 साल से फरार चल रहा था। एक लंबे समय से वो उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देता रहा था। गौर करने वाली बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अब्दुल कवि पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने कड़ी निगाह बनाई हुई थी, तभी से उसके ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत कर दी गई थी। पुलिस के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसके मुताबिक अब्दुल कवि के भाई अब्दुल कादिर को कौशाम्बी पुलिस ने जेल भेज दिया था। इसके बाद ही उसके घर पर हुई छापेमारी में असलहे भी बरामद किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज।